आज हम लोग इस पेशेंट को अभी एम्बुलेंस करेंगे। एम्बुलेंस करने का ये है कि क्योंकि एम्बुलेंस करके जो जहाँ से ये ब्लीडिंग होता है इनको मेसिव ब्लीडिंग, जिसे हमने पहले भी बताया कि 250 से लेकर 300 एकॉर्डिंग खांसी के साथ ब्लीड्स आता है तो उसको हम मेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं, हीमोफेसिस मेसिव हीमोफेसिस बोलते हैं। तो इस पेशेंट को अभी हम लोग ऑलरेडी कैथेटर और गाइड वायर यूज़ करके हम लोग वो पॉइंट को ढूंढ निकाला जहाँ से इनको ब्लीडिंग होता है, और फिर उस पॉइंट को हम एक हमारा मेडिकल मेडिसिन और दूसरा कॉइल यूज़ करके उस पॉइंट को सील कर देंगे कि अगले फ्यूचर लाइफ में इनको कोई फिर से दोबारा ब्लीडिंग ना हो जाए और हीमोफेसिस या खांसी के साथ कोई ब्लीडिंग ना हो और ये एक अच्छी लाइफ पा सके। तो इसी को आज मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी एम्बुलेशन बोलते हैं इसको, इस प्रोसीजर को हम कैसे करते हैं बिना ऑपरेशन किए हुए, स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। This patient has the history of hemoptysis for last 1 year. एक साल से इनको hemoptysis हो रहा था और इनका एक पुराना history भी है। इनका left lung का lower lobe का कुछ हिस्सा पहले operate open surgery हुआ है जिसको हम lobectomy किया हुआ है, ये 2004 में हुआ था। Now the patient presented with hemoptysis for last 1 year. ये स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, मैं लेफ्ट लोअर ब्रोंकियल आर्टरी को नेगोशिएट कर रहा हूँ विथ 2.4 माइक्रो कैथेटर सिस्टम। अब आप देख पा रहे हैं मैं अभी मेडिकल मेडिसिन जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था मेसिव ब्लीडिंग उस पॉइंट को सील करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नाउ आई एम गिविंग मेडिकल मेडिसिन विच इज़ कॉल्ड पीवीए पार्टिकल्स टू द ब्लीडिंग एरिया सो दैट द पेशेंट शुड नॉट हैव एनी फ्यूचर ब्लीडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आप देख रहे हैं मैं अभी 2x3 mm प्लेटिनम कॉयल डिप्लॉय कर रहा हूँ ब्लीडिंग एरिया में टू सील द ब्लीडर। सेकेंड कॉइल डिप्लॉय कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं। ये मैं तीसरी कॉइल डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब हमने ये पूरा प्रोसीडियर कंप्लीट किया। थैंक यू।